Hello student, myself Narendra Kumar from VidyaMandir Classes. इस सेशन में जो फिजिकल केमिस्ट्री है क्लास 11th के जो टॉपिक्स हैं 2007 और 2018 जो JEE एडवांस एग्जामिनेशन है इसके जो वेरियस टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस है उनका एक डिस्कशन इस सीरीज में मैं कर रहा हूँ. कई पार्ट्स में होगा, ये क्वेश्चंस ज़्यादा हैं तो छोटे छोटे वीडियोज़ जो हैं बना रहा हूँ मैं यहाँ पर इसके अंदर. तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो क्लास 11th है इसके टॉपिक्स फिजिकल केमिस्ट्री के क्या है. तो अगेन जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया होगा कि जो सारा कंटेंट होता है वो क्लास 11th का वो जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं होता. कुछ ही टॉपिक जो है वो जेई एडवांस के अंदर इंक्लूडेड रहते हैं. तो देख लेते हैं हम. चलिए तो ये मैं पहले आपको सिलेबस प्रेजेंट कर रहा हूँ. तो सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले जो नज़र आ रहा है ये कुछ जनरल टॉपिक्स हैं. जनरल टॉपिक्स के अंदर बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो आपका स्टोइकोमेट्री वाला जो पार्ट है इसके अंदर जो वेरियस जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आएंगे. तो जनरल टॉपिक्स में अगर आप देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल जो होता है वो आ गया. डॉल्टन्स एटोमिक थ्योरी है. आज तक अभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है डॉल्टन्स एटोमिक थ्योरी पर बेस्ड, लेकिन एक सिलेबस का पार्ट है. मूल कॉन्सेप्ट आपको इसके अंदर मिलेंगे जिसमें अक्सर क्वेश्चन आता है. केमिकल फार्मूले के अंदर जो इंपेरिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाता है. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाता है जिसमें जो है मोस्टली ये जो रिडॉक्स रिएक्शंस है इनका जो वे ऑफ बैलेंसिंग है इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, और इनके अंदर जो कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट है. देखिए साफ साफ लिखा है इसमें कि मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो कैलकुलेशंस है उनको डील करना है. और ये जो कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्विंग कॉमन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जो स्पेशल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टाइप के जो रिएक्शंस होती है उनको जो सिलेबस कह रहा है वो कंसिडर नहीं करना है. सो कॉमन ऑक्सीडेशन रिडक्शन न्यूट्रलाइजेशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पर बेस्ड जो कैलकुलेशंस हैं. कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं वेरियस टाइप की, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी. तो ये जनरल टॉपिक्स इंक्लूडेड है इसके अंदर. नेक्स्ट देखिए इसके अंदर जो है वो जनरल टॉपिक्स के बाद में गैसेस एंड लिक्विड स्टेट्स जो आ जाता है. गैसेस एंड लिक्विड स्टेट्स को अगर हम देखेंगे तो एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर है, आइडियल गैस इक्वेशन है, डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी है, वान डर वाल्स इक्वेशन आ रहा है इसके अंदर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आ गया, एवरेज, रूट, मीन, स्क्वायर एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज एंड देयर रिलेशन विद टेम्परेचर, लॉ पार्शियल प्रेशर दैट इज डॉल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ये जो है गैसेस एंड लिक्विड स्टेट का जो है इंक्लूजन यहाँ पर है. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं हमारे पास में जो टॉपिक आ रहा है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड है. तो इसमें बोर मॉडल की बात हो रही है, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कंसिडर करना है, क्वांटम नंबर्स कंसिडर करना है, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वालिटेटिव क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, shapes of s, p and d orbitals, electronic configuration of elements up to atomic number 36, Aufbau principle है, Pauli's exclusion principle use हो रहा है, Hund's rules, orbital overlap and covalent bond जो है atomic structure का जो part है हमारा. Next हम देखते हैं इसके अंदर तो हमारा जो topic है next energetics related है. energetics का मतलब हो गया कि ये जो thermochemistry और thermodynamics हम study करते हैं तो इसके अंदर first law of thermodynamics है. और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमें इंटरनल एनर्जी वर्क एंड हीट को रिलेट करना है और प्रेशर वॉल्यूम वर्क को कंसिडर करना है. एंथैल्पी आ गया, हैज लॉ आ गया, हीट ऑफ रिएक्शन आ गया, फ्यूजन एंड वेपराइजेशन हो गया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आ गया, इसमें एंट्रोपी आ गया, फ्री एनर्जी है एंड क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, ये एनर्जेटिक्स से रिलेटेड है. और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है. तो लॉ ऑफ मास एक्शन है इसमें, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है, ली शेटलियर प्रिंसिपल है, और ली शेटलियर प्रिंसिपल्स के अंदर ये जो कह रहा है इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, टेम्परेचर एंड प्रेशर आ गया, सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट इन केमिकल इक्विलिब्रियम एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की बात हो रही है, कॉमन आयन इफेक्ट है, पीएच एंड बफर सॉल्यूशन भी इसके अंदर यूज हो रहा है, एसिड्स एंड बेसिस की जो डेफिनेशंस हैं वो ब्रॉन्स्टेड एंड लुईस कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग है, एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट है. ये जो हमारे मेन टॉपिक्स हो गए. तो क्लास 11th के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के यही टॉपिक्स इंक्लूडेड है. अगेन एक क्विक रिवीजन कर देते हैं कि स्टोइकोमेट्री है जिसमें आपको जो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन दोनों को इंक्लूड करना है. फिर जो हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसेस स्टेट्स आ जाता है, लिक्विड स्टेट के अंदर जस्ट हमें यहाँ पर जो वेपर प्रेशर की बात हो रही है, और फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया,
उसके बाद में एनर्जेटिक्स, एनर्जेटिक्स के अंदर जो है थर्मोडाइनमिक्स एंड थर्मो केमिस्ट्री दोनों हम इंक्लूड करते हैं, और फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर जो है वो हमारा मतलब इक्विलिब्रियम के अंदर बेसिकली दोनों ही आ गए, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर जस्ट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें बस सिंपल सी एक तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दिख रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट दिख रहा है, पीएच एंड बफर सॉल्यूशंस दिख रहा है, एंड एसिड्स एंड बेसिस। तो ये सिलेबस हाईलाइट करने का मेरा मेन एम ये है कि आप जब अपना एक रिविजन स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, आपने सब चीज़ें पढ़ रखी है, सब आपको पता है, आपकी समरी बनी हुई है हर एक चैप्टर की, तो उसमें मेन फोकस जो है हमें कहाँ पे करना है। तो अगेन जैसे मैं अगेन ये कहूँगा कि डेविएशन बहुत कम हुआ है यहाँ पे, कुछ कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं है। तो अब हमें आने वाले एग्जाम में किस न्यू कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा हम नहीं बता सकते हैं, बट एटलीस्ट जो सिलेबस में मेंशन है उनको हम अच्छी तरीके से अगर रिवाइज कर लेते हैं तो हमारा स्कोर जो है इम्प्रूव हो जाएगा, अच्छा सा हम एक स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन के साथ अगर हम एग्ज़ाम में जाते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है, इनकी एक और अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करनी है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो हमारे वेरियस टाइप के टॉपिक्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11th में, इनमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं और उनका क्या लेवल है। ग्रेजुअली थोड़ा सा मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी तो इसके अंदर कम ही हुआ है, ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है क्वेश्चन का वो थोड़ा यूनिक फॉर्मेट में, जो बिल्कुल कन्वेंशन तरीके होते हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के या जस्ट नॉर्मल आपको बुक्स वगैरह में क्वेश्चंस मिलते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट वे से क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन है। तो एक प्रेजेंटेशन न्यू है, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। तो जस्ट इसको देख करके आप फिर अगेन अपनी एक रिविजन स्ट्रेटेजी बनाइए, अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए कॉन्फिडेंस के साथ, जेई एडवांस का जो एग्जाम है उसमें अपियर होना। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये 2007 का जो पेपर वन है उसमें एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है द वैल्यू ऑफ लॉग बेस 10 के फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन ए इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद बी। तो ये देखिए सिंपल सा, आप केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर भी पढ़ते हो और जो एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर है उसमें भी हम पढ़ते हैं कि जो इक्विलिब्रियम जब अटेंड हो जाता है किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर तो क्या होता है। तो ये हमने ही पढ़ा हुआ है कि जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होता है एक रिएक्शन का, वो बेसिकली उस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उससे रिलेटेड होता है, उसका जो कंपोजिशन है उससे रिलेटेड होता है। तो ये हमारे पास में स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी जो चेंज होगा दैट इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज माइनस टी टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ दैट रिएक्शन। और ये जो हमारे पास में स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन है माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम ऑफ दैट रिएक्शन। तो इसको इन दोनों को हमें रिलेट करना है। तो हमें बेसिकली लॉग 10 के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है रिएक्शन के लिए। तो इन दोनों को अगर हम इक्वेट कर देते हैं तो ये रिलेशन बन जाएगा माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, इसको फिर हम चेंज कर देंगे लॉग टू बेस 10 में, और ये डेल्टा एच नॉट माइनस टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस नॉट हो जाएगा ये। तो ये माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस नॉट। तो अब यहाँ पर लॉग टू बेस 10 के इक्विलिब्रियम के लिए हमें अगर सिंप्लीफाई करना है तो इन सबको हम उस साइड में शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड में। तो डेल्टा एच नॉट माइनस टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर टी, ये हमारे पास में एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे तो ये जो हमारे पास में स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है 298 केल्विन गिवन है एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन है 298 गिवन है, डिफरेंट यूनिट्स के अंदर है और आर की वैल्यू भी गिवन है, और यहाँ पे जो है वो 2.303 इनटू 8.314 इनटू 298 का जो एक कैलकुलेशन फैक्टर आ रहा है उसकी वैल्यू भी गिवन है। तो इन सब की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो इन सब की वैल्यूज को हमें सब्स्टिट्यूट कर लेना, टेम्परेचर जो है वो गिवन है। तो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये -54.07 है। यहाँ पे आर की वैल्यू को अगर देखोगे तो ये जूल के अंदर गिवन है, तो हम सबको जूल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 10^3 जूल पर मोल आ जाएगा हमारे पास में। और डेल्टा एस नॉट की वैल्यू जो है क्वेश्चन के अंदर गिवन है अगेन 10 जूल पर केल्विन पर मोल,
और आर की वैल्यू जो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ये सबकी वैल्यूज गिवन है और टेम्परेचर जो है ये कह रहा है 298 केल्विन हमें टेम्परेचर लेना है, तो ये इन सबकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा सिंपल सा जो है वो आंसर आ जाएगा सिक्स के लिए, इट्स वेरी इजी। तो ये इन सबको सब्स्टिट्यूट करेंगे मैथमेटिकल। तो एक यहाँ से ये देखिए, अक्सर एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो एक रिवर्सिबल रिएक्शन का जो हमारा एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज जो होता है इसको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज से रिलेट करना है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेट करना है। तब ये मैथमेटिकल वर्क है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बड़ा इजी कैलकुलेशन है, इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं आ रहा है, तो इसका कुछ आंसर जो होगा इन्हीं में से कुछ आएगा आप सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेशन पार्ट मैं अवॉइड कर रहा हूँ, हमें मोर एंड मोर क्वेश्चंस को डील करना है। तो आइडिया हमें लग गया है कि ये एक हमारा कॉन्सेप्ट है जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन और कंपोजिशन के बीच में जो एक रिलेशन होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो इसका जो ऑफिशियल आंसर गिवन है वो आंसर बी गिवन है, सॉल्व करने से आपको ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में, मैच गैसेस अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस लिस्टेड इन कॉलम वन विथ देयर प्रपोज प्रॉपर्टीज और लॉज इन कॉलम टू, इंडिकेट योर आंसर बाय डार्कनिंग द एप्रोप्रिएट बबल्स ऑफ द 4x4 मैट्रिक्स गिवन इन द ORS। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो कॉलम वन के अंदर कुछ गैसेस या कुछ कंडीशंस की बात हो रही है और कॉलम टू के अंदर इनकी जो प्रॉपर्टीज है या कुछ लॉज है उसकी बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे ये जो सारा सब कुछ अगर हम देखेंगे तो जो रियल गैस एनालिसिस है उसी पर बेस्ड है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखिए कि आपके पास में ये जो हमारे पास में हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस जो है आपको पता है कि बहुत हाई प्रेशर पर गिवन है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ प्रेशर। ठीक है, आप अपनी टेक्स्ट बुक को देखिएगा स्पेशली एनसीईआरटी, उसके अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर कर्व प्लॉट किए हुए हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर कर्व के अंदर जो प्रेशर को वेरिएशन, प्रेशर का जो वेरिएशन कंसिडर कर रहे हैं वो एटलीस्ट 200 एटमॉस्फेरिक यूनिट से प्रेशर को चेंज किया जा रहा है। सो ये जो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत लार्ज वैल्यू है। हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसी गैसेस हैं जो रियल गैसेस की तरह बिहेव करेगी, तो जनरली जो है दिस शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो पॉजिटिव डेविएशन का रीजन जो है यहाँ पे कि इनके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो नेग्लिजिबल के करीब होते हैं। तो यहाँ पर इनको अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन और हीलियम को, हीलियम यहाँ पे नहीं है बट जस्ट मैं और अपडेट कर देता हूँ, तो हाइड्रोजन और हीलियम के अंदर बेसिकली जो पॉजिटिव डेविएशन होता है, और पॉजिटिव डेविएशन होने का मतलब है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होगा वो वन नहीं होगा। कोई भी गैस अगर आइडियली बिहेव कर रही है तो उसका फिर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो वन होगा इसके लिए यहाँ पे। तो अब हम हाइड्रोजन जो हमारे पास में ए ऑप्शन है, उस ए ऑप्शन को अगर देखते हैं तो हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन है, तो ये इतने हाई प्रेशर पर पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होगा इसका, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होगा वो नॉट वन होगा। तो एक तो पी तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ही होगा। दूसरा यहाँ पे देखिए कि अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डोमिनेट, हाइड्रोजन जो है उसका मोलर मास बहुत कम है, तो इसलिए इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेज इतने ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं होंगे। ठीक है, और पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी तभी एप्लीकेबल होगा जब एक ये रियल गैस की तरह बिहेव करेगा, वो नहीं होगा। नाउ इतना हाई प्रेशर होने का मतलब हो गया कि ये जो हमारे पास में वांडरवॉल गैस इक्वेशन होती है, उस वांडरवॉल गैस इक्वेशन को अगर हम अप्लाई करते हैं सो वांडरवॉल गैस इक्वेशन पी प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो यहाँ पर ये जो गैस का प्रेशर है दैट इज द वेरी हाई वैल्यू, ये जो पी है हमारे पास में वेरी हाई वैल्यू है, वेरी लार्ज वैल्यू। तो इस एडिशन के अंदर इस लार्ज वैल्यू के रेस्पेक्ट में ये जो एक स्मॉल वैल्यू है ऑब्वियसली बहुत कम वैल्यू होगी, ये इस पी के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा सा होगा ये, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पी अगर बहुत बड़ा होगा तो वॉल्यूम जो है हमारा चेंज हो जाएगा, और ए वैसे भी बहुत स्मॉल वैल्यू होती है। तो इस प्रेशर के रेस्पेक्ट में हम इस टर्म को जो है वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सो दिस इज नेग्लिजिबल टर्म, नेग्लिजिबल वैल्यू होगी। तो इसको अगर हम इग्नोर कर देते हैं तो जो सिंपल सी हमारी जो इक्वेशन इक्वेशन बन जाएगी वो पी इंटू वी माइनस एन बी विल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एन आर टी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर एग्जैक्टली दे रखा है तो हम ऐसे ही ले लेते हैं, तो पी इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी।
इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम जेड की वैल्यू निकालेंगे तो भी आपको पता लगेगा कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो 1 नहीं आ रहा है. तो देखिए यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो पी वी माइनस एन पी बी इज इक्वल्स टू एन आर टी और ये पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी प्लस एन पी बी हो जाएगा. अब इसको अगर हम एन आर टी से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी हो जाएगा. तो ये जो हमारे पास में फैक्टर है दिस फैक्टर इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 1 प्लस समथिंग आ रही है. 1 प्लस समथिंग का मतलब हो गया नॉट इक्वल टू 1. तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन कॉलम 1 का जो ए ऑप्शन है वो कॉलम 2 के एक तो पी से मैच करेगा और दूसरा जो है वो एस से मैच करेगा. तो पी एंड एस से मैच कर रहा है ये. मैं यहाँ पे नोट करता जाता हूँ कि ए जो होगा वो पी एंड एस से मैच करेगा और किसी से मैच नहीं करेगा. नाउ अब यहाँ पे जो हमारे पास में हाइड्रोजन गैस गिवन है और ये हाइड्रोजन गैस जो है बहुत लो प्रेशर पर गिवन है. हाइड्रोजन गैस जो है बहुत लो प्रेशर पर गिवन है. लो प्रेशर पर सभी गैसेस के अंदर जो है वो अट्रैक्टिव टाइप के फोर्सेस होते ही होते हैं. ऑल रियल गैसेस हैव अट्रैक्टिव फोर्सेस एट लोअर प्रेशर. दे मे हैव रिपल्सिव फोर्सेस बट एट वेरी वेरी हाई प्रेशर. वेरी वेरी हाई प्रेशर. तो ए के अंदर जो हमने देखा है कि ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 आ रहा है बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस और वो हाई प्रेशर पर होगा. तो बी ऑप्शन के अंदर अगर हम देखेंगे तो पहली बात तो ये जो है हाइड्रोजन गैस एक रियल गैस है तो इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होगा वो 1 तो नहीं होगा और इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेज जो होंगे वो डोमिनेटिंग होंगे. अब अट्रैक्टिव फोर्सेज डोमिनेटिंग हो रहे हैं तो इसका मतलब आर तो वैसे ही जो है हम कंसिडर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम रियल गैस की तरह इसको कंसिडर कर रहे हैं और एस जो है इस कंडीशन के अंदर वैलिड नहीं होगा. तो बी के लिए जो है हमें दो ही अप्रोप्रिएट ऑप्शन नजर आ रहे हैं पी एंड क्यू. पी एंड क्यू. अब सी को हम चेक कर लेते हैं. सी को अगर हम देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और 273 केल्विन पर. तो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम देखेंगे तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए. इसका मोलर मास भी जो है बहुत ज्यादा हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में. तो कार्बन डाइऑक्साइड में तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस तो होंगे ही होंगे और बहुत एक्सटेंसिवली डेविएट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 273 केल्विन पर ये भी जो होगा वो 1 नहीं होगा. तो अट्रैक्टिव कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज नॉट 1 और इसमें भी जो है अट्रैक्टिव फोर्सेज जो डोमिनेट करेंगे करेंगे. तो यहाँ पर जो सी है इसके अंदर भी पी एंड क्यू डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे. नाउ डी ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो ये कह रहा है कि एक रियल गैस है विद वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम. किसी रियल गैस का मोलर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है. मोलर वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम पर यूनिट मोल. तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल गैस कॉल्ड एज मोलर वॉल्यूम. तो लार्ज मोलर वॉल्यूम का मतलब हो गया वेरी लो प्रेशर. तो वेरी लो प्रेशर जब होगा तो किसी भी गैस का जो बिहेवियर है रियल गैस का वो एक आइडियल बिहेवियर होगा. और आइडियल बिहेवियर होने का मतलब है कि उसका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो नियरली 1 हो सकता है. ठीक है. और कुछ केसेस के अंदर तो वो बिल्कुल लो बहुत एक्सट्रीम लो प्रेशर रीजन के अंदर अगर हम देखेंगे तो वो हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 भी आ जाता है. तो हम यहाँ पे रियल गैस विथ वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम को एक आइडियल गैस की तरह कंसिडर करेंगे और सारी रियल गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस होते ही होते हैं. ठीक है. अंडर ऑल कंडीशंस एक्सेप्ट एट वेरी हाई प्रेशर. तो यहाँ पे हमारे पास में जो पी आई ये क्या कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नॉट इक्वल टू 1 कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि रियल गैस विथ लार्ज मोलर वॉल्यूम बिहेव एज एन आइडियल गैस. अट्रैक्टिव फोर्सेज में डोमिनेट करेंगे करेंगे और रियल गैस जब एक आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी जो है वो भी एप्लीकेबल होगा. तो ये डी ऑप्शन जो है इसके अंदर क्यू एंड आर को हम कंसिडर करेंगे. क्यू एंड आर. तो ये मेरे हिसाब से जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये होना चाहिए कि ए के अंदर जो है हमारा पी एंड एस आएगा, बी के अंदर जो है हमारा पी एंड क्यू आ जाएगा और सी के अंदर जो है वो पी एंड क्यू आ जाएगा अगेन और डी के अंदर जो है वो क्यू और आर आएगा. डी के अंदर जो है वो क्यू एंड आर आ जाएगा. ये अब हम देख लेते हैं कि ऑफिशियल आंसर के अंदर जो है वो क्या गिवन है. ऑफिशियल आंसर को अगर हम देखेंगे तो ऑफिशियल आंसर के अंदर जो है मुझे एक एरर नजर आ रही है इस ऑफिशियल आंसर के अंदर. देखिए ये मुझे लग रहा है कि जो आंसर रिलीज हुआ है वो पहले रिलीज हो गया होगा. ऑब्जेक्शंस आने के बाद में इसको मॉडिफाई किया गया होगा. तो ये जो
जेई एडवांस की वेबसाइट से मैंने कलेक्ट किए सारे क्वेश्चंस और आंसर्स इसके अंदर, तो इसमें बिफोर ऑब्जेक्शन ये इन्होंने आंसर की रिलीज किया होगा, 2007 है इनफैक्ट, उस समय ऑब्जेक्शंस रेज भी नहीं होते थे, ऑब्जेक्शंस जो है अलाउड भी नहीं होते थे, जो भी आंसर दे दिया जाता था उसी को वो फुल प्रूफ कंसिडर करते थे, ऑब्वियसली मॉडिफिकेशंस होते थे लेकिन वो पब्लिकली मतलब डिक्लेयर नहीं करते थे कि हमने ये चेंज किया आंसर। तो इसके अंदर जो सी के अंदर है बड़ा कॉमन सेंस है बेटा कि हाइड्रोजन गैस अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर या जीरो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है, नियरली जीरो प्रेशर रीजन में, तो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी अट्रैक्टिव फोर्सेज जो होंगे वो होंगे ही होंगे। तो ये एक हमारा रियल गैस एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया, और भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर हमारे पास में क्वेश्चन आ गया, कंसिडर अ टाइट्रेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये कंसिडर अ टाइट्रेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन विद एसिडिफाइड मोर सॉल्ट सॉल्यूशन यूजिंग डाइफिनाइल अमीन एज इंडिकेटर। जो रिडॉक्स टाइट्रेशन होती है उनके लिए स्पेशल टाइप के इंडिकेटर्स यूज होते हैं। ये आपका जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है इसमें बहुत अच्छा आर्टिकल गिवन है रिडॉक्स टाइट्रेशंस पर बेस्ड, उसको आप पढ़िएगा, दैट्स अ गुड आर्टिकल। द होल चैप्टर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज वेरी गुड रिटन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सो कंसिडर टाइट्रेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन विद एसिडिफाइड मोर सॉल्ट सोल्यूशन यूजिंग डाइफिनाइल एज इंडिकेटर। जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को एज ए ऑक्सीडेंट यूज करते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन में, तो हम डाइफिनाइल अमीन एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोर्स सॉल्ट रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ डाइक्रोमेट इज, तो यहाँ पे सिंपल सा एक टाइट्रेशन गिवन है। इस टाइट्रेशन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, ये मोर सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है, एंड मोर सॉल्ट यू नो दैट फेरस अमोनियम सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड एज मोर सॉल्ट। तो ये हमारे पास में पोटेशियम डाइक्रोमेट है, एसिडिफाइड है, और फेरस अमोनियम सल्फेट है, ये डाइफिनाइल अमीन एक इंडिकेटर है और ये एसिडिफाइड भी है। तो डाइफिनाइल अमीन एक इंडिकेटर है, उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि क्या है। तो ये हमारे पास में जो है वो एक ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है बिकॉज ऑफ क्रोमियम प्रेजेंट इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहां पे ये जो मोर सॉल्ट है, इस मोर सॉल्ट के अंदर कोई एक ऑक्सीडाइजेबल एटम होगा, तो ये ऑक्सीडाइजेबल एटम जो है वो कौन सा होगा हम देखेंगे, और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पे जो नाइट्रोजन है वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, आयरन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, बट इट इज इजी टू ऑक्सीडाइज आयरन देन नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अमोनियम आयन। तो ये हमारा जो फेरस है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और फेरस जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक के अंदर, फेरस ऑक्सीडाइज होगा और फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ये रिड्यूस होकर के क्रोमियम 3+ स्टेट के अंदर आ जाएगा। तो इसको जब आप बैलेंस करोगे तो वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा, और बैलेंस करके सॉल्व कर सकते हो, या फिर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जो अप्लाई करोगे तो इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 आर इक्वल टू द इक्विवेलेंट ऑफ मोर सॉल्ट। नाउ मोर सॉल्ट का जो वैलेंसी फैक्टर है, यहाँ पे एक मोल में एक मोल फेरस है, तो ये एक मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करेगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 आ गया, और इसका वैलेंसी फैक्टर आप जानते हो 6 होगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंसीडर अ टाइट्रेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन विद एसिडिफाइड मोर सॉल्ट सॉल्यूशन यूजिंग डाइफिनाइल अमीन एज इंडिकेटर, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोर सॉल्ट रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट का एक मोल लेना है, मोर सॉल्ट के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे ये देखना है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं मोर सॉल्ट के एन मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, तो यहां पर मोर सॉल्ट के एन मोल्स हो गए, वैलेंसी फैक्टर इसका 1 हमने ले लिया, और डाइक्रोमेट का जो है हमारे पास में 1 मोल होगा, और ये जो है इसका वैलेंसी फैक्टर जो है वो 6 है। तो एन के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें पता लग जाएगा कि एन की वैल्यू क्या होगी। सो वी कैन से 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट कैन ऑक्सीडाइज 6 मोल्स ऑफ मोर सॉल्ट। तो इट्स वेरी इजी, इसको आप लॉजिकली भी देख सकते हो कि एक मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर यहाँ पे रिड्यूस होना चाहता है तो इट नीड 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रोवाइडेड 1 मोल ऑफ मोर सॉल्ट, एंड एवरी मोल ऑफ मोर सॉल्ट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन। सो 1 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट नीडेड 6 मोल्स ऑफ मोर सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, उससे पहले इसका आंसर देखते हैं ऑफिशियल आंसर क्या है। तो इसका ऑफिशियल आंसर जो आ रहा है डी ऑप्शन गिवन 6, तो ये हमने सॉल्व किया था।
Now, ये हमारा 2007 का जो पेपर टू है इसका एक क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्रोसेस लिक्विड वाटर एट 1 bar 373 Kelvin इज कन्वर्टिंग टू द गैसियस वाटर एट 1 bar 373 Kelvin. तो ये जो लिक्विड वाटर है और गैसियस वाटर है दोनों आइडेंटिकल कंडीशन में 1 bar and 373 Kelvin पर. द करेक्ट सेट ऑफ थर्मोडाइनमिक पैरामीटर्स इज, तो इसका मतलब ये तो एक बेसिकली हमारा जो वेपोराइजेशन वाला बॉइलिंग वाला जो फिनोमेना है वो हो गया 1 bar and 373 Kelvin इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. तो 1 bar पर जो भी टेम्परेचर होता है वहां पर एक सब्सटेंस जो है बॉइल अप हो जाता है. तो ये जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट आ गया, बॉइलिंग पॉइंट पर जो ये फिनोमेना है वो एक वेपोराइजेशन हो जाएगा, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा. तो जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है तो एक रिएक्शन का डेल्टा जी जो है वो जीरो हो जाता है. नाउ डेल्टा जी जीरो होगा, ये हमने जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है फॉर एवरी प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम द चेंज इन फ्री एनर्जी इज जीरो बिकॉज सिस्टम इज इन इट्स लोवेस्ट फ्री एनर्जी स्टेट एंड इट कैन नॉट, वी कांट इंक्रीज और डिक्रीज फ्री एनर्जी फ्रॉम दिस स्टेट. अगर हम इसकी फ्री एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो वापस से ये इसी स्टेट में आ जाएगा. तो यहां से जो भी फ्री एनर्जी में चेंज होगा वो जीरो होगा. अब एंट्रोपी की बात अगर हम करते हैं तो ये लिक्विड से गैस में जा रहा है, तो रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो रहा है. तो डेल्टा जी इसका जीरो हो जाएगा और डेल्टा एस जो होगा वो पॉजिटिव होगा. तो ए आंसर इसका हमें लग रहा है. चेक कर लेते हैं क्या आंसर है. तो ऑफिशियल आंसर भी हमारा ए आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 2008 का पेपर 1 से आ गया. तो ये एक आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन नजर आ रहा है और ये कह रहा है 2.5 ml ऑफ 2/5 molar वीक मोनो एसिडिक बेस हैविंग Kb एट 25 degree Celsius इज टाइट्रेटेड विद 2/15 molar HCl इन वाटर एट 25 degree Celsius. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ ion एट इक्विवेलेंस पॉइंट इज फाइंड आउट और Kw की वैल्यू जो है गिवन है. तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि एक एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे एक जो हमारे पास में मोनो एसिडिक बेस है उसको हम HCl के साथ जो है टाइट्रेट कर रहे हैं. तो मोनो एसिडिक बेस को HCl के साथ टाइट्रेट करेंगे तो क्या रिलेशन होगा. तो ये हम कोई भी मोनो एसिडिक बेस BOH ले लेते हैं और ये हमारे पास में HCl हो गया. तो ये एक एसिड है और ये जो है हमारा बेस है. तो एसिड और बेस को मिक्सअप जब करेंगे तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये वाटर आ जाएगा. सो दिस इज द सॉल्ट मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. अब इनिशियली जो हमारे पास में ये मोनो एसिडिक बेस है इसका वॉल्यूम गिवन है और इसकी मोलैरिटी गिवन है. तो हम इसके मिलीमोल्स को कंसिडर कर सकते हैं. तो ये 2.5 × 2/5 ये इसके मिलीमोल्स हो गए इनिशियली. ठीक है जी, मिलीमोल्स हैं. नाउ ये जो हमने इसको HCl के साथ ट्राइट्रेट किया है तो HCl की जो मोलैरिटी गिवन है 2/15 molar HCl गिवन है. तो इस HCl का भी कुछ वॉल्यूम कंज्यूम हुआ होगा, लेट इट बी V, और मोलैरिटी इसकी हमें गिवन है 2/15. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ ion एट इक्विवेलेंस पॉइंट. इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमें H+ ion की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है. सो यू नो वेरी वेल एट इक्विवेलेंस पॉइंट जो टाइट्रेशन होती है उसमें आप पढ़ते हो एट इक्विवेलेंस पॉइंट जो हमारे पास में मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस कंज्यूम आर इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कंज्यूम आर इक्वल टू द मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूस्ड आर इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड. तो अब यहां पे जो हमारे पास में बेस है उसके मिली इक्विवेलेंट 2.5 है और मोलैरिटी ये मोनो एसिडिक है यहां पे, तो इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया. और इसका वॉल्यूम हमने कुछ लिया है वी इंटू 2/15. हम इसको वी के लिए सिंप्लीफाई कर सकते हैं. वी हमें जो है पता लग जाएगा कि HCl का हमारा जो वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है वो कितना हो रहा है टिल इक्विवेलेंस पॉइंट. तो ये एक सिंपल हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी. तो यहां से क्लियरली नजर आ रहा है हमें कि ये जो वॉल्यूम हमारे पास में आएगा HCl का जो कंज्यूम हो रहा है वो 7.5 ml वॉल्यूम कंज्यूम हो जाएगा. तो इस स्टेज तक जो टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का होगा, ठीक है, इस स्टेज तक जो टोटल वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का 2.5 ml हमने ये बेस ले लिया था और VML HCl इसके अंदर मिक्सअप कर दिया है. तो यहां पर इस स्टेज पर सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 10 ml वॉल्यूम हो गया सॉल्यूशन का. अब
H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे तो ये दोनों कंज्यूम हो गए टोटल, ये जो हमारा एक सॉल्ट प्रोड्यूस हो गया, ये सॉल्ट जो है वो हाइड्रोलाइज होगा, तो इसके हाइड्रोलिसिस से एच प्लस आइन प्रोड्यूस होंगे। तो हम देख लेते हैं कि इसके हाइड्रोलिसिस से एच प्लस आइन कैसे आएंगे। तो ये जो सॉल्ट है बी सी एल, ये ब्रेक होगा कंप्लीटली बी प्लस और सी एल माइनस में, और बी प्लस जो बन गया हमारा ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और रिवर्सिबली हाइड्रोलाइज होगा, तो बी ओ एच प्लस एच प्लस आइन बन जाएगा। नाउ ये जो कैटाइन है इस सॉल्ट का वो कंप्लीटली हाइड्रोलाइज नहीं होगा, तो इसकी कुछ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी सी। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में वाटर जो है हमेशा एक्सेस में होता है, ये जीरो होगा और ये जीरो हो जाएगा। इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर हम एच कंसिडर करते हैं तो सी इंटू वन माइनस एच हो जाएगा ये, और ये सी एच प्रोड्यूस हो जाएगा और ये सी एच प्रोड्यूस हो जाएगा। अब एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विवेलेंस पॉइंट अगर हमें फाइंड आउट करना है, मीन्स हमें ये सी एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सी एच की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले सी निकालना होगा और फिर एच के लिए कैलकुलेशन करनी होगी। नाउ सी की वैल्यू जो आप यहां से निकाल सकते हो, सी जो होगा वो होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्ट, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्ट जो होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ दिस सॉल्ट अपॉन वॉल्यूम इन एम एल। तो ये हमारे पास में 2.5 × 2/5 मिली इक्विवेलेंट हो गए और टोटल वॉल्यूम जो है वो उसका 10 हो जाएगा। ये हमारे पास में जो सॉल्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई है, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन आ गई हमारे पास में। तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास में, ठीक है। सी के लिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, सी के लिए सॉल्व कर लेंगे। अब यहां पर जो है इस रिएक्शन का हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा ये ढूंढना होगा। तो देखिए आप ये रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो इस रिएक्शन के अंदर आपको एक ये इलेक्ट्रोलाइट नजर आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो आइन्स में स्प्लिट होगा, और ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, मीन्स ये भी आइन में स्प्लिट होगा। इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट के कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होंगे, तो ये जो रिएक्शन है वो इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स है उनकी फॉर्म में इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिख सकते हैं, मीन्स ये एक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको हम कहेंगे केवी, ठीक है। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको हम कहेंगे केवी, और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको हम कहेंगे केडब्ल्यू। तो ये H2O का जो डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम होता है और BOH का जो डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम होता है उनका एक एडिशन है, तो मैं इसको वापस से लिख देता हूं। जैसे H2O का डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ये ऐसा हो गया, और BOH का जो डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम होगा वो बी प्लस प्लस OH माइनस हो गया। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें कुछ पता लगेगा, तो ये इक्वेशन वन हो गया, ये इक्वेशन टू हो गया, हमें ये इक्वेशन ऑब्टेन करनी है। तो ये इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए हम ये करेंगे इक्वेशन नंबर वन माइनस इक्वेशन नंबर टू, तो इक्वेशन नंबर वन माइनस इक्वेशन नंबर टू करेंगे तब ये इक्वेशन ऑब्टेन होगी। इसका मतलब हुआ इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो इन दोनों रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। हमने इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करके ये इक्वेशन ऑब्टेन की है, इसलिए इस इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो kW, इसको मैं यहां लिख देता हूं, वो kW अपॉन kV होगा। जब आप सबट्रैक्ट करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया हमारे पास में, अब इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन इज kW / kV एंड दैट इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आइन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ओ एच हो जाएगा और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी प्लस आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ओ एच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आइन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी प्लस, वाटर एक्सेस क्वांटिटी में, जिसको इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में यूज नहीं करेंगे। नाउ अब देखिए यहां पे कि जो बेस की जो कॉन्सेंट्रेशन है और एच प्लस आइन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वली होगी, तो यहां पे हम इन सब की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके ये कह सकते हैं कि हमारे पास में ये आ जाएगा सी एच स्क्वायर बाय वन माइनस एच, क्योंकि ये सी एच है और ये भी सी एच है और ये सी इंटू वन माइनस एच है, तो सी सी कैंसिल हो जाएगा, सी एच स्क्वायर बाय वन माइनस एच होगा। के डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है 10^-14 और क्वेश्चन के अंदर के बी की वैल्यू भी गिवन है 10^-12 और सी की वैल्यू भी हमने यहां से निकाल रखी है, सी की वैल्यू को भी हम पुट अप कर देंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में जो है 0.1 आ जाएगा, तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास में 0.1। इसको सब्स्टिट्यूट करके एच के लिए सॉल्व कर लेंगे और एच के लिए सॉल्व करने के बाद में हम यहां से एच प्लस आइन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे, दैट इज सी एच। अब यहां पे आप नेग्लेक्ट नहीं करिएगा, नेग्लेक्ट करने से हो सकता है कि कुछ गलती हो जाए, क्योंकि ये जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया है वो बहुत छोटा आया,
तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब बहुत छोटा नहीं आया, ये कहना चाह रहा हूं मैं, 10 टू द पावर माइनस 2 आ रहा है, तो इट्स नॉट स्मॉल वैल्यू. तो 10 टू द पावर माइनस 2 अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है तो वो सिग्निफिकेंटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड रहती है. तो इसलिए यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं करना. देखिए, रिमेंबर, रिकॉल करो आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स है आयनिक इक्विलिब्रियम. आपको बताया जाता है कि किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 टू द पावर माइनस 3 से छोटा है तब हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नेग्लेक्ट नहीं करते हैं. तो यहाँ पे जो है हमारा सिग्निफिकेंट अमाउंट में ये जो है डिसोसिएटेड रहेगा, तो उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं. तो क्वाड्रेटिकली आपको सॉल्व करके आंसर निकालना होगा. तो ये ऑब्वियस है यहाँ पे कि जो हमारे पास में H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन आ रही है उससे एक हिंट मिल रहा है मुझे. देखिए, ये जो भी चार ऑप्शंस दिए हुए इनमें H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, ठीक है जी. और ये जो भी इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो एक सॉल्यूशन बना है वो एसिडिक ही होगा, हम जानते हैं, बिकॉज सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ वीक एसिड, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. तो जो सॉल्ट है वो इस टाइप का है. इस टाइप के सॉल्ट सॉल्यूशन की नेचर जो होती है वो एसिडिक ही होती है. तो ये जो ए ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो ए ऑप्शन में जो H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन आ रही है, ए ऑप्शन में जो H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन आ रही है उससे तो पीएच अगर मैं निकालता हूं नेगेटिव लॉग लेकर के तो वो एसिडिक रेंज जो होती है उसमें नहीं आएगा. सिमिलरली बी ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो उससे भी एसिडिक रेंज में नहीं आएगा, ठीक है. थोड़ा बहुत कम एसिडिक रेंज में आ जाएगा क्योंकि ये 7 माइनस लॉग 3.2 हमें कंसिडर करना होगा. तो चलो इसको कंसिडर कर लेते हैं. तो थोड़ा हिंट मिल गया हमें कि आंसर जो होगा हमारा बी होगा या सी होगा या फिर डी होगा. तो ये इस टाइप से हम देख करके, अब कैलकुलेशन का पार्ट हमारा रह गया, तो हम चेक कर लेते हैं इसका हमारा जो ऑफिशियल आंसर है वो क्या है. तो ये देखिए, हमने ये कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लिए, ठीक है. इस क्वेश्चन से हमें पता लग गया है कि क्या क्या किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं. तो रिमेनिंग जो फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.